जो कि काफी सुंदर पक रहे हैं। हमको पकाने आ गया है। गैस पे भी पकता है, हाथ जल रहा है यार, गैस पे भी पकता है लेकिन हम गैस पर नहीं पकाएंगे। इसको भी डाल लेते हैं। जुआ कितना अच्छा लगता है, इसका फूल का जो सब्जी होता है ना बहुत अच्छा लगता है। देखिए नेनुआ बहुत फर रखा है, ले रखा है, देखिए और कहाँ पे चढ़ गया है। तो हेलो इट फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे आप सभी को राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली सुबह का हो गया, 10 बज गया है। अभी हम साबुन से मुंह धो के आए हैं, खाना पीना हो गया, दाल और सब्जी और चावल खाए हैं, और क्या बोलते हैं पुरोड़ा का जो भरता होता है ना वो बनाए हुए थे। तो काफ़ी यहाँ पे बर्तन धो के रखे हुए हैं, और अपना किचन दिखाते हैं। फाइनली पूरा काम कर चुके हैं, और दोस्तों खाना वाना पूरा खा लिए हैं। आप लोग खाए कि नहीं खाए कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे हम मिट्टी भर के रखे हैं, डब्बों के काट कर मिट्टी भर के रखे हैं इसमें तुलसी जी लगाने के लिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी जी हमारे पास नहीं है, बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन हमारे पास तुलसी जी यहाँ पे ये भी साफ़ कर दिए हैं, किचन भी पूरा साफ कर दिए हैं, बर्तन भी धोल के रख दिए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, और सारा काम कर चुके हैं। कपड़ा भी अभी कपड़ा नहीं धोए हैं, बल्कि एक चीज़ दिखा रहे हैं, जो कल हमने ड्रेस पहना था ना, फ्रॉक पहनी हुई थी, फ्रॉक पहनी हुई थी, यहाँ पे है, काफ़ी सुंदर है, देख सकते हो लॉन्ग फ्रॉक है। अभी तो कोई हमारी बहन है जो थोड़ी मेरी से छोटी है तो उसमें नहीं हो पाता है, बल्कि इसीलिए हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं। और हमारा पंखे चल रहे हैं, जो कि बाबू अभी है नहीं, बाबू गया है बाहर खेलने के लिए, दोस्तों खेलने के लिए गया है। तो उसका पता है जिप होता है ना पीछे के, जिप ख़राब हो गया है, जो कि हमारे में हो नहीं पा रहा, टाइट हो रहा है, तो उसको एक टाइल खोलना पड़ेगा उसके लिए, साला जिप ही मतलब ख़राब हो गया। इसको जैसे शॉर्ट वीडियो का लुक पूरा नहीं बना पाई थी, और एक चीज़ और दिखा। तो फाइनली दोस्तों हमने नेनुआ बोआ था, तो देखिए वहाँ पर चढ़ गया है, और देखिए यहाँ पे कितना बड़ा बड़ा पड़ा है, देख रहे हैं, दो नेनुआ पड़ा है, दो पपीता है, और उधर और बतिया ले रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना यहाँ के नेनुआ जो लंबा लंबा बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा हुआ है, दो नेनुआ पड़ा है, उधर बहुत सारा बतिया ले रहा है जो कि अभी हो रहा है, फूल फुलाया है ना। हम एक दिन बनाए हुए थे सब्जी, इसका इतना टेस्टी हुआ था ना, जो कि बिना दवा वाई कुछ भी इसमें डाली नहीं है, जो खाद खड़ी होता है ना इसमें कुछ भी डाला है नहीं। यहाँ पे देखिए हम बरस करके यहीं पे रख दिए, जल्दी जल्दी में इसको रख देते हैं, नहीं तो देखिए हाँ इसका फूल कितना अच्छा लगता है, इसका फूल का जो सब्जी होता है ना बहुत अच्छा लगता है। देखिए नेनुआ बहुत फर रखा है, ले रखा है, देखिए और कहाँ पर चढ़ गया है, पूरा पपीता के ऊपर चला गया है, देख रहे हैं कि दिखा रहे हैं, देखिए कहाँ तक गया है, बहुत ऊपर तक चला गया है। और ये हमारा जो है ना केला, अभी कुछ नहीं, अभी बच्चा है, जो बड़ा होता है ना तो बंदर सब खा जाता है। और यहाँ पे बर्तन वर्तन धो के रखे हैं, क्योंकि दोस्तों इधर धोए थे आज बाबू, उधर धो रहे हैं ना तो बाबू चला जा रहा है, उधर धो रहे हैं तो बाबू उसमें घुस जा रहा है। दोस्तों फ्रेंड आज थोड़ा सा ही खाना बनाए थे, चावल दाल मतलब बनाए थे तो थोड़ा सा ही बनाए थे, तो पापा लेकर गए थे उधर बाबू को खिलाने के लिए, तो उधर से आया है कुछ हमारे लिए जो कि आप लोगों के दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, और पूरा आप लोग वीडियो देखते नहीं है, देखते हैं तो लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और देखिए यहाँ पर हमारे लिए बाल आया है, वो घर पर से आया है, इसमें कितना बाल है, 3-6 बाल है, 6 बाल है, जो कि इसको छू आज दोपहर में इसको ही मतलब पका के खाएंगे। वो घर पर से आया है, चाची भाजी है, जो कि बहुत अच्छा है, पचगोटिया है, देख रहे हैं एक जो बाल निकला पचगोटिया है। इस कौन कौन बाल पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसको किसको अच्छा लगता है वो आकर खा लीजिए हेलो। और क्या कह सकती हूँ, 6 बाल है, जो कि मतलब ज़्यादा मतलब हुआ नहीं है, इसको आज पकाएंगे दोस्तों। तो हम कैसे पकाएंगे, तो हमारे यहाँ आप लोग जानते ही हैं क्या क्या है, उसी के माध्यम से हम पकाएंगे।
तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी तो टाइम हो रहा है दोस्तों 10:30 हो रहा है, जो कि पकाएंगे 1 बजे करीब, 12 बजे से हाथ लगाएंगे इसको पकाने के लिए। तो इसका सब्जी भी बनाए थे जो कि ज़्यादा हमारे बनाए थे, ज़्यादा क्वालिटी की मतलब नहीं बन पाया था, सब्जी बहुत टेस्टी हुआ था लेकिन ज़्यादा क्वालिटी की होता है ना कि मतलब ये वो डालना ये से दिखाना, तो कोई रहता है ना वीडियो बनाने वाला तो दिखाता है तो अच्छा लगता है, लेकिन हम अपने से बनाते हैं ऐसे करते हैं ना, एक जू आया हुआ है दिखा रहे, इतना छोटा है जू आ गया है, इसको रख देते हैं, वो एक भूंज के खाते हैं ना, भूंज के जो छुरा देते हैं और भूंज के खाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, उसमें मिर्ची का फोड़न वोड़ा डालकर और क्या बोलते हैं और जीरा मरीच भूख कर डाल देना, बहुत टेस्टी होता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है। और वो किस किस को पसंद है, किस किस को बनाने आता है कमेंट में बताइएगा। हम अपने गांव में तो मतलब कुछ किए नहीं है, यहाँ पे ससुराल में आके काफ़ी सारा सीख लिए हैं, मतलब जो भी होता है ना बनाने के लिए। देखिए सब पचगोटियाँ ही हैं, आप लोग को दिखा रही हूँ, 6 आया है, 6 भी मतलब पचगोटियाँ है, अच्छा है, बल्कि कोई बात नहीं, अब की का बाल मतलब ऐसा ही शायद में हुआ है। तो चलिए इसको रख देते हैं, थैली में ही रख देंगे, नहीं तो बंदर आएगा ना तो ये हम लोग को खाने नहीं देगा दोस्तों। तो बाबू का वेट करते हैं, कब तक बाबू आया है। थैली हम साबुन वाबुन से मुंह धो लिए हैं, काम करते हैं ना तब धो लेते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा फ्रेश मन लगता है। देखिए झूठ नहीं बोल रही, देखिए हमारे घर पर खाना नहीं है, थोड़ा सा ही बनाए थे जो कि हम रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए कल वीडियो बनाए थे, तो ये क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आधा ख़राब हो गया है, बाबू नोच देता है ना तो। और हाँ दोस्तों अब जा रहे हैं, पता है एक और जो सबसे ज़रूरी काम है हमारे को, आज तो सोमवार है जो कि कल इतवार था, तो हमने रख दिया था तुलसी जी के मतलब मिट्टी वट्टी भर के अच्छा से एकदम मिस के मतलब चाल उल के रख दी थी, तो कल इतवार था, सोमवार है जो कि तुलसी जी नहीं लगाते हैं, शनि इतवार को तुलसी जी नहीं लगाते हैं बोले लोग, तो हम बोले कि ठीक है तो आज सोमवार है जो कि हम जा रहे हैं तुलसी के पौधा उखाड़ कर लाने के लिए और उसमें लगाएंगे। आज शाम को पूजा करने में दिक्कत होता है ना, तो तुलसी जी रहती है ना तो मतलब दिखा देते हैं क्या बोलते दिया हुआ तो अच्छा रहता है ना, चाहे पूजा भी करना अच्छा बात है, तो ले जा रहे हैं लेकर आ रहे हैं, उसके बाद आप लोग को दिखा रहे हैं लगा कर, ठीक है। फाइनली फ्रेंड हम तुलसी जी लेकर आ गए हैं, दिखा रहे हैं आप लोग कितनी बड़ी है। एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर, टूट गया, इसको लगा के देखते हैं, ऊपर से उखाड़े ना तो देखिए कैसे टूट गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा। हम इसको ऊपर से उखाड़े ना तो टूट गया, और दूसरा भी उखाड़े तो वो भी टूट गया, तो वहीं पे छोड़ दिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हजार उसमें लगाने के लिए इसको आज से पूजा करेंगे, बहुत बड़ी है ना, इस पर बहुत ज़्यादा वो पड़ गया है, चलिए जाते हैं उसमें लगा देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली दोस्तों हमने लगा दिया, अभी पानी नहीं डाला है, इसमें लकड़ी खोज रहे हैं खोसने के लिए कि मतलब खड़ा रहेगा, टेढ़ा नहीं होगा, आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे लगा दिए हैं, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे लकड़ी लगा देंगे तो ऐसे सीधा रहेगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ऐसे लगा देंगे। लकड़ी हमारे यहाँ मिल ही नहीं रहा है, लकड़ी है ही नहीं, उधर से खोज के उधर नहीं मिला, अब देख रहे क्या खोसे इसमें, सोच ही रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम जा रहे हैं उसमें किसी से नीचे से मंगाने के लिए, हाँ एक आइडिया आया, जा रहे निमके और दाढ़ी मतलब तोड़े थे ना तो ऊपर। तो फाइनली दोस्तों 1 बजने वाला है, 1 बजने से पहले हमको एक खुशखबरी मिल गई है जो कि हमें एक पार्सल अभी रिसीव हुआ है, देख सकते हैं छोटू सा है, जो कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है हमको भी नहीं मालूम है, आप लोग को भी मालूम नहीं है, तो आप लोग दिखा रहे हैं ऐसे खोल के, तो ऐसे वीडियो में बने रही आप लोग और दिखा रहे हैं जल्दी से। देखिए ये मेरा छोटू सा लिपस्टिक मंगाया है जो कि हमें बहुत प्यारा लगा, इसके पहले भी मंगाई थी 2 लिपस्टिक है जो कि अच्छा है, देख सकते हैं इसका ढक्कन एक साइड फूटा हुआ है, देखिए इसको अभी रिटर्न करेंगे ना, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें से खाली भी है, कोई यूज किया है और इसको रिटर्न करेंगे ना तो जल्दी रिटर्न नहीं होगा, बोलेंगे क्या तुम ऐसे करके रखे हो, इसकी वजह से हम बोलेंगे आपकी रिटर्न नहीं करेंगे। अभी जस्ट आया है, जब भी फोन आया था तो हम जगे हुए थे, बाबू अभी सोया हुआ है, काफ़ी हवा आज बह रहा है और आज हमको बाल भी पकाना था, तो यहाँ पे आप लोग दिखा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आग लगाए हुए हैं क्योंकि अभी धुआं फेंक रहा है, जो कि हम इस पे पहले लकड़ी पे खाना बनाते थे ना, मतलब ऐसे ही मतलब अच्छा लगता है लकड़ी पे खाना, जो कि ठंडी के दिन में बनाते हैं ना
ठंडी के दिन में बनाते थे ना, तो हम इसको रखे हुए थे, हमको मतलब अच्छा मतलब सोचे ना कि इसका कुछ यूज कर लेंगे कभी, मतलब कुछ बनाना होगा कुछ पकाना होगा, तो काफ़ी मतलब आज हुआ तो इसका यूज भी हो गया दोस्तों। देखिए कितना अच्छा मतलब पकड़ लिया है, हमको पकड़ाने आता है इसको। पहले मतलब घर पे हमारे होते थे ना तो ऐसे पकड़ाते थे, मैं पहली बार अकेले धरा रही हूँ इसको और जा रही हूँ इसको बिना लाकर हाँकने के लिए और पका रही हूँ, तो आपको दिखा रही हूँ ठीक है। हमको एक छोटू सा बेना मिल गया है जो कि हम चेन्नई से लेकर आए थे, इसको हाँकेंगे तो देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बना रहे हैं तो हमको। देखिए हर काम में स्पोर्ट हैं हम, जो कि हम अकेले अभी कैमरा कोई पकड़ता तो ऐसे अच्छा लगता, तो हम जा रहे हैं इसको पूरा आग लगाने के लिए और बाल रखेंगे उसके बाद मतलब पकाते हैं कैसे भट 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 करता है ना, तो आप लोग के दिखाएंगे। और पापा को बुला कर ला कर भी वो लेकर आए थे तो उनको ही खिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम तो खाएं नहीं खाएं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उनको खिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए बाल लेकर आते हैं इस पर। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो कैसे हम बाल पका रहे हैं, बाबू को लेकर पका रहे हैं। बाबू अभी सोया था, अभी उठ गए हैं, जो कि काफ़ी गर्मी लग रहा है यहाँ पे, मौसम भी बहुत प्यारा हुआ है। किसको किसको बाल खाना याद है जल्दी से लीजिए। और एक पकाने से बकी है, अभी बकी सब पक गया है तो बहुत गर्म है, बाबू को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो हाथ जला ले गए। किसको किसको खाना है जल्दी जल्दी आइए और खाइए। फाइनली दोस्तों हमारा बाल पक गया है, देख लीजिए झिकर उधर से थोड़ा थोड़ा जल गया है। नमक और नमकी नमकी होता है लगा खाने में मज़ा आ जाए। यहाँ पे चार बाल हैं, जो कि चार पांच दाना होता है ना, पच गोटी है, उसको हम लपेट के रख दिए हैं पापा के लिए। पापा के लिए गए थे नीचे बुलाने के लिए लेकिन पापा नहीं थे। एक जुड़ाया था बाल तो इसमें है, अभी पक रहा है, इस पर जाकर रख दे रहे हैं क्योंकि पापा आएंगे तो गर्म रहेगा खाने में अच्छा रहेगा। ऐसे कपड़ा में उतारना है, ये साफ था फिंच के रखे हुए थे तो इसमें लपेट के रख दिए हैं, आएंगे तो देंगे गर्म गर्म रहेगा। अब तो आगे बुता देंगे, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है इसको जैसे सोच रहे थे अगे बुता दें, नहीं तो बाबू खेल रहा है ना तो हाथ पैर जला लेगा। तो फाइनली दोस्तों हम पापा के लिए रख दिए हैं, एक बाल गर्म है, एक बाबू के लिए है हमारे लिए, जो बाबू खाएगा नहीं हम भी खाएंगे। और वो आग बुता दिए, जो कोयला पर पकाते हैं ना तो उसको जल्दी बुता देते हैं, नहीं तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसमें मतलब दोबारा राख हो जाएगा। अगर कोयला पर जो पकाते हैं ना उसी समय बुता देना चाहिए, गर्म पानी मतलब ठंडा पानी उस पर डाल के बुझ जाएगा ना तो अभी रहेगा, मतलब जितना बार बनाओ उसी समय गर्मी मतलब पानी डाल के बुता दो उसको तो रहता है पकाने के लिए अच्छा रहता है। फाइनली दोस्तों हम दो कटा काटे थे बाल, नमक के साथ नहीं मिर्चा वर्चा लगा खाएंगे क्योंकि जो सो बाबू नहीं खा पाएगा ना। खाओ लो, अभी सोकर उठा है जो कि दोस्तों डेढ़ बज रहा है, दो बज रहा है अभी, डेढ़ दो कहाँ से बजाए, एक बजने वाला है जो कि पापा उधर गए हैं बर्तन दुका के खात बारा का है हमने के ना दे बा खा तू खा खाएगा नहीं ऐसे खड़ा खाता है पूरा चबा कर नहीं खाता है तो खड़े लेटरिंग करता है। एक है जो जुआया हुआ था तो इसको नहीं देंगे नहीं तो इसका पेट खराब हो जाएगा शायद। दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा जरूर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके ऑल द बेस्ट।